आ जाता है यहाँ पर ये। तो आप लोगों को अमार भाई वीडियो पढ़ा रहे हैं ना कि मतलब आपको कंडीशन स्टेटमेंट्स अगर वो पढ़ा रहे हैं, अगर आपको इतने एनालिसिस की समझ नहीं आ रही फॉर इंस्टेंस, तो आप लोग यहाँ पर जाके देखो ये लिखा हुआ है, वो सारा चीजें लिखे हैं। यहाँ से अपना सी के सारे काम भी कर सकते हैं, जितना वो लेस मतलब कंडीशन स्टेटमेंट अगर आप दोबारा से होता है ना रिवाइज बंदा करना चाहते हैं, देखो सारा कुछ आने लिखोगे किस सिंटैक्स से लिखोगे क्या, तो ये एक बार इसे कर सकते हो, लेकिन एक दफा क्योंकि आप लोगों को सिखाना मकसद तो यही चीज, मैं आप लोगों को ऑन कैंपस भी एक दफा करा दूंगा, फिर आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो ऑब्वियसली वहां पर ज्यादा क्लियर होंगे और ज्यादा अच्छे से। तो यहां पर अगर आप लोगों को अंडरस्टैंड कर सको तो बेस्ट है, यहां पर जाओ, यहां पर आप लोगों को साथ पूरा वो स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल दे देता है, सब कुछ कर देता है। और आप लोगों के पास में से किसी के पास अगर आ जाए तो आप लोग रिकॉर्ड कर दो, मेरे पास पता नहीं, यू आर नॉट अलाउड टू रिकॉर्ड दिस वीडियो कॉल। बट टेंशन की बात नहीं है, एक दफा मैं ये चीज दोबारा आप लोगों को बताऊंगा और मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन, ये बेसिकली ये C++ की कोडिंग और ये थोड़ी सी ना एडवांस होती है। एक होता है, दो कोर्सेज होते हैं जब हम लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होते हैं, तो एक होता है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और फिर आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ये जो फंक्शंस वाला पार्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट अभी ना भी हुआ तो ये चीज आप लोगों को इन द फ्यूचर तक कहते हैं दोबारा कोर्स जब हम लॉन्च करेंगे तो उसमें कर देंगे, क्योंकि अमाद भाई ज्यादा MMP की तरफ सॉरी कंप्यूटेशनल मेथड जो भी है पता नहीं मेरे से बोल।